अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जा रही हूँ बॉम्बे, तो आप लोगों को बताया कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ। तो आज मेरा देखो, मैंने ब्लैक कलर का फुल ब्लैक पहनी, ब्लैक चप्पल, और मुझे ऐसी चप्पलें हील वाली बहुत ज्यादा पसंद है। ब्लैक चप्पल, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक गले का, ये देखो ऐसा सेट कर लिया ब्लैक में, ये देख सकते हैं आप लोग ये, और इसके साथ में ये, और ये टॉप। तो आपको जरूर बताना कैसा लगा। और माशाल्लाह ये देखो, ये मेरा ब्लॉग चालू है, मरियम ब्लॉग, तो आप लोग फॉलो करो, लाइक करो, पूरा चाइना मार्केट का आए है। और अभी मैं जा रही हूँ, पानी पिला, तो अभी मेरे मोबाइल में ले लेती हूँ। और जा रहे तो अभी हम लोग बाहर जाने निकले, गाड़ी में बैठे हैं, और अभी हम लोग खाएंगे। पहले हमारे इधर एक मस्त होटल है, नई बनी है, क्या नाम है सामने होटल का, ग्रैंड जायका। ये हमारे एकदम घर के करीबी है, माफका नगर के तरफ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ग्रैंड जायका में। तो फिर अभी हम लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, आप लोग को सब बताते हैं। अभी गाड़ी का यू टर्न लेना पड़ेगा सुल्तान को, नहीं हाँ यू टर्न की जरूरत नहीं है, और शायद अंदर पार्किंग भी है गाड़ी की, हाँ है। ये देखो हम लोग ये जायका में आया है, ग्रैंड जायका में। उसने समीर ने बहुत बोला था, दो तीन बार जाएंगे जाएंगे, मगर आना नहीं हो रहा था, आगे से ही खाना खा के आ जा रहे थे। तो अभी हम लोग आ रहे नहीं, चल रहे ना उतर, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आइए, बस आप लोग को बुला ही सकते हैं। तो अभी हम लोग ग्रैंड जायका में आ चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी होटल है, नाम सुना था, एसी लगता है इधर, और इधर पूरा जूस काउंटर है, और उधर नॉन एसी, इधर एसी है। तो हम जा रहे हैं एसी में, गर्मी में तो एसी लगती है। और ये बाजू में उन्होंने रहने के लिए रूम भी बनाया है। ये माशाल्लाह होटल में आ चुके हैं, और आज संडे है तो क्राउड है। अभी हम लोग यहाँ, हाँ ऊपर नहीं, अपन यही बैठते ना, अच्छा का यही बैठेंगे ना, ये तो इधर समीर खड़े है, और इधर एसी है, इसके ऊपर भी एसी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी होटल बना है। तो फाइनली हम लोग आज आ चुके, पानी और हमारा टेबल पूरा लग चुका है। और हम लोग ने अभी दिए ले क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी और सिजलर, चिकन सिजलर। तो अभी हमारा सिजलर भी आएगा, चिकन क्रिस्पी भी आएगी, फिर मेन कोर्स का ऑर्डर देंगे क्या खाने में। हाँ सिजलर ऐसा है कि चार लोग को डिस्टर्ब करता है खाने के टाइम पर, इतना धुआं आता है। फिर हम खाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। वैसे तो मुझे भी बहुत एलर्जी है धुएं से और सिजलर से, मगर मंगाई मैंने आज, आयान को और परी को बहुत पसंद है सिजलर। मेरी परी नहीं, परी को मिस करते हम लोग जब भी आते हैं तो। और मेरा आयान दिल का टुकड़ा। चिकन क्रिस्पी आ चुका है, अभी सिजलर आने वाला है, और ये समीर का एकदम पसंदार डिश है, परी का और पश्चिम दरबार का तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ज़्यादा रहती है, उसमें शहद ज़्यादा डालते हैं, बस बस बस। तो अभी खा रहे हम लोग, आप लोग भी आइए खाने के लिए। और अभी सिजलर भी आ रहा है, ये देखो फाइनली हमारा सिजलर आ गया। और माशाल्लाह कितना प्यारा सिजलर है, इसमें मटर है, फ्लावर है, कॉकली कॉकली ब्रोकली ब्रोकली, येलो शिमला मिर्ची है, फ्रेंच फ्राइज है, फिंगर चिप्स है, एक नंबर ओनियन है, गार्लिक है, सब है इसके अंदर, आप लोग देख सकते हो। चलो अभी सर्व करो फटाफट, और चलो मेन खाने का लो, चलो थोड़ा तो लो यार, ऐसा क्या सिजलर नहीं खाता भाई। ये देखो मेरे को तो ऐसा बहुत पसंद है, वेज में सब नॉनवेज मिक्स रहता है ना, मेरा फाइनल बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर वालों को पता है मुझे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। चाइनीज डिश में क्या मंगा, दाल खिचड़ी, क्या दाल खिचड़ी खाता हूँ कभी, यहाँ पे मंगाओ दाल खिचड़ी। चिकन वाली क्या पूछो, चिकन वाली है खिचड़ी, दाल खिचड़ी है चिकन वाली, राइस भी है इसके अंदर। हाँ ये हो गया, तुम लोग के लिए तो मैं तो राइस इसमें का ही ले लूँगी। थोड़ा राइस डाल दो, इसके साथ दो लोगों का क्या होता है यार, दो लोगों का
वो राइस चल रही हूँ, तो टाइम बहुत हो रहा है भाई, बहुत स्लो हाथ चला रहे, मुझे अपने हाथों से पास करना पड़ेगा खाना निकालने में। तो ना मैं नंबर वन हूँ, अच्छे बड़े बड़े डेगो के आप लोग देख के खाने निकाल लेती है ना, तो मैं तो और कुछ नहीं लूँगी, मेरा इसमें ही बस हो गया। और तुम्हारे तुम लोग के लिए ऑर्डर दे दो समझ, है ना। क्या यानी डालती हो अभी बटर चिकन बोलो। हाँ तुम लोग जो खाने का अपने लिए, हाँ अपने लिए सुल्तान को भी पूछ लो क्या खा रहा है। तू क्या खाएगा, रोटी नान रोटी बोल रही, रोटी बोलो इतना दो बोलो तुमको, दो एक बटर चिकन देना, लेकिन मीठा रहेगा, मीठा चाहिए, रोटी देना, तू रोटी खाएगा है, बटर रोटी खाएगा, नान खाएगा, बटर नान है, बटर नान है, हाँ बटर नान कर, एक बटर नान देना, गार्लिक नान, गार्लिक नान बटर गार्लिक, तीन रोटी बनाना, कड़क नहीं होगा, वेज है ना, नॉन वेज भी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, मटर लो, मटर मटर बटर सब लेंगे, राइस बोलो राइस, मेरा तो हो गया खाना, सुन भाई एक स्पून दो, राइस बोलो राइस, राइस कौन सा राइस, राइस उसके साथ रहेगा ना, राइस खाएगा ना, हाँ बोल देखते ना पहले, तुम रोटी तो खाए, मैं खाएगा एक रोटी, मोबाइल वाला पकड़ दे, देखिए पकड़े एकदम मोबाइल एकदम, आओ खाने के लिए, और मैंने मेरे यहाँ तो अंडा दिया, मैं पहले एक ये बोला पैसे के लिए, दो रोटी बोला, मैं एक रोटी बोला, एक राइस बोला, क्वांटिटी कुछ नहीं तो उसके साथ क्या दे, वो राइस मांग रहे, नहीं नहीं राइस नहीं मंगाएंगे ना, मंगाएंगे अगर कम पड़ी तो रोटी ना, तुमने अभी खाने में ऑर्डर दिए नॉर्मल राइस, बटर नान सॉरी बटर चिकन और बटर नान भी बोलना, बटर नान, बटर नान और इसको गार्लिक बटर नान, आयन को गार्लिक बटर नान, तो फिर अभी हम लोग खाया, इन लोग का खाना आता है तो बताते हुए आयन को थोड़ा खाना खाने दूँ मैं, ओके बटर चिकन आ चुका है, बटर चिकन अब इनको ये माशाल्लाह समीर का भी आया, और ये बटर गार्लिक नान और बटर नान दोनों बटर रोटी बटर रोटी बटर डाल, भाई भाई फटाफट हाथ चलाओ यार, तो मेरा यार हाँ सोच रहा है क्या, एक स्पून बस इधर डालो, और डालो और डालो, नहीं पीसेस डालो ना, तुम्हें खा रही है बच्चा द्वारा सभी, तुम ये थोड़ा सा ही ले रही हूँ बस, और अभी हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग भी आइए खाने के लिए, और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा था, सीजलर भी रेसिपी भी बड़ा अच्छा था, अभी ये टेस्ट करते कैसा है, ये फूड टेस्ट करके बताते आपको कैसा है, तो आप लोग आइएगा खाने के लिए, ओके मैं टेस्ट कर रही हूँ, हमारे निवाले बहुत छोटे रह गया एक नंबर एक नंबर, और आहिस्ता आहिस्ता खाती है ना, सुनो स्लो स्लो एक नंबर, चलो फिर बात की, अब देख देते यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो देखो यहाँ का खाना इतना अच्छा लगा कि मैंने यहाँ का इनका कार्ड ली हूँ, कि हाँ हम लोग को तो नज़दीकी भी पड़ता है, ऑर्डर भी कर सकते हैं और आ भी सकते हैं, और माशाल्लाह खाना एक नंबर था, सब एक नंबर, मतलब मेरे लाइक का खाना था, और ये हमारा थम्सअप, ये हमारा थम्सअप रखा है, बस अभी फाइनल है, फिर उसके बाद गाड़ी में बैठती हूँ, तो बाकी मैं आप लोग को अपडेट देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये आयान का थम्सअप और ये मेरा चाचा, माशाल्लाह यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सर्विस इतनी अच्छी दी है कि पूछो मत करके, मैनेजर भी बहुत अच्छे है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जब एक नंबर जब भी आप ये साइड आइए तो ज़रूर ये होटल पर विजिट करिए, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग पर डाला है होटल का पहले आगे, सब लोग जरूर यार बोलो समीर तुम, ग्रैंड ग्रैंड जायका, समीर जी बोल रहे तो आप लोग आ जाओ,
अभी हो रहे थे थम्सअप भाई, थम्सअप बहुत लगता है उसको। किसको? पूरी को। अरे बताती हूँ क्या लूंगी, क्या करूंगी, क्या मार्केट है, आपको इरला मार्केट भी दिखाऊंगी। जो नहीं देखे, जो देखे उनको तो पता ही रहेगा। अभी जा रहे हम लोग इरला मार्केट और बच चुके हैं 5 और आया ने मुझे चश्मा निकाल के दिया है, तो चश्मा आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और सब बहुत अच्छा है, आगे से सब गाड़ी है, अच्छा रोड भी खाली खाली है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। संडे है ना, और आगे चलती हूँ तो मैं आप लोग को बताती हूँ। ओके माशाल्लाह हम लोग फाइनली पहुँच चुके इरला। इरला बोले तो हमारी मेरी तो फेवरेट मार्केट हो गई है। पर्स भी मेरा इरला का ही, मैं पर्स ज़्यादा करके इरला से लेती हूँ। मुझे लोखंड वाले से ज़्यादा इरला के पर्स पसंद। ये इरला का पर्स है, ये इरला का पर्स है। तो जा रही अभी इरला मार्केट में। माशाल्लाह बहुत गर्दी, क्योंकि दिवाली का टाइम है, शादियों का सीज़न है, तो गर्दी बहुत है मार्केट में। अल्लाह ऐसी मार्केटों में गर्दी रहे, क्योंकि इतना लॉकडाउन से सब बेचारे बैठे थे, धंधे वाले भी, हर चीज़ वाले। अल्लाह पाक सबकी रोज़ी पानी चालू कर दिए ना परवरदिगार, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं परसों मुंबई भी गई थी तो बहुत क्राउड था, और अभी देखो इरला का ही मालूम पड़ा ट्रैफिक कितनी है, गाड़ी स्लो से चल रही और सबके सर दिख रहे गाड़ी में से, मतलब बहुत सारी गर्दी है। तो ऐसी सब दिवाली भी सबकी अच्छी जाए, हमारी तो यही दुआ है, और बाकी त्योहारें भी अच्छी जाए। और अपने भी त्यौहार तो भी आके गए, अभी क्या बाकी है, अभी थोड़े बाकी त्यौहार वो भी आए, इंशाल्लाह ताला अच्छे से जाए करके। तो वो हम फिर कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? हाँ सुल्तान निकालेगा, सुल्तान को मालूम है इधर निकलेंगे। तो हम लोग क्या करता है यार बताओ, ट्रैक भी देखो कितने प्यारे प्यारे, एकदम कलरफुल। और इधर तो माशाल्लाह ट्रैक, टी शर्ट, वेस्टर्न कपड़े तो एक नंबर मिलते हैं इरला में। फटाके की दुकान आई है, और फटाके की दुकान में बहुत गर्दी है, और इससे ज्यादा गर्दी तो परसों बम्बई की दुकान में थी। बाप रे, ऐसा लग रहा था कि कल या परसों में दिवाली है। जैसा जिसको पगार मिलती है, सैलरी बेचने के लिए नहीं, सुनो घर वाले लेते, फैमिली वाले सब, तरह से सैलरी मिलती है जिसको, हाँ जिसको जैसी सैलरी मिलती वैसा लेके रख देते बेचारे लोग करके। तो सुनो इधर भी अच्छा, ये तो रोड की पर्स की दुकान है, मस्त फटाके देखो कितने सारे। ये पर्स होगी क्या बोलते हैं, अपना लेके ले, ले नहीं आए उसकी कॉफी देखो, ये देखो ना डायरी, चैनल नहीं, अंदर दुकान छोटी से, बस सब कॉफी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो अभी आ गया इरला, और यहाँ भी सब पर्स टंगे है। ये देखो माशाल्लाह छतरी देखो, आप सब देख सकते हैं छतरी भी कितनी अच्छी है। भाई रिक्शे वाला भैया आ गया, और वो सामने देखो बच्चों के कपड़ों की दुकान कितनी प्यारी है, कपड़े की दुकान देखो बच्चों की, छोटे बच्चों की। और उधर देखो कितना अच्छा है, अंदर सजाए पूरी छतरी लगाए ले, क्योंकि मैंने भी कोई ढाबे पे गए तो उधर भी ऐसी छतरी लगी थी, वैसी पूरी छतरी लगी है। अंकल रिक्शा बीच में लेके आ गए, तो अंकल चलाएगा नहीं रिक्शा बेटा। ये लोग इधर भी पर्स कितने प्यारे प्यारे हैं, मस्त। और अभी ये भी इधर भी घूर के पास भी इसी छतरी थी ना, क्या बोलते सुनो, कंदील सिरसागर को देते थे ना अपन कंदील लेके जाके, मेरे बाजू में थे ना, तो मैं हर साल उन लोग को दिवाली में कंदील लेके जाके गिफ्ट करती थी। 2 साल से नहीं दी, उसकी वाइफ ऑफ हो गई तो फिर गई इसलिए बाद में। नाश्ता हम लोग इधर करते हैं, उड़ी टॉप भी कितने प्यारे प्यारे कॉटन के, बहुत प्यारे एकदम सोबर जीन्स पे पहनने के बड़े बड़े टॉप। और इधर ही हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम आए थे तो समीर की बहन और जीजाजी हमको रास्ते में मिले थे, है ना समीर? इनकी बड़ी बहन मिली थी और इनके जीजाजी मिले थे। माशाल्लाह देखो इधर भी ड्रेस पीस कितने प्यारे प्यारे, उसके साथ में बटुए भी है मैच के। जब भी आपको दिवाली के लिए जब भी आपको कोई भी वैकेशन है, शादी है, तो आप लोग जरूर इरला जरूर, इधर भी बहुत अच्छा सामान मिलता है। थोड़ा कॉस्टली है इरला में, मगर अच्छा मिलता है लोखंड वाले के जैसा, पूरा लोखंड वाले में कैसा कॉस्टली है वैसे इधर भी। रोड पे जाम बहुत हो जाता है ना सुल्तान, और पार्किंग नहीं मिलती, रास्ता बहुत छोटा है इसमें। सिंगल रोड पर छोटा दिए ना, देखो उस साइड भी टॉप कितने अच्छे डबल डबल शेड के, और इसके वो शर्ट देख ले बैनर कौन सी, अल्फा बहुत फेमस दुकान है यहाँ की, इसके 7-8 दुकान है, मोबाइल का, कपड़े की, एक है उधर है ना, अभी दिवाली का टाइम है ना, नाइटी की,
दिवाली के टाइम में ना उधर तुमको पैकिंग करने के लिए एक एक दो दो दिन लगाता है। नाइटी भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, को नाइटी क्या प्यारी प्यारी। मकान लेने के पर्स लेने के लिए हाँ, वही देख रही हूँ पर्स की अपनी दुकान आई के लिए। मेरे बच्ची रहती ना बोलती बलून अम्मा बलून अम्मा बलून, इतने अच्छे से बोलती बलून। यहाँ से तुमने मेरे हेयरबैंड दिलाए थे 1800 का, ये आलिए ना इसके अंदर को मेरी पर्स की दुकान आ चुकी है और डिस्प्ले पे भी बहुत प्यारे प्यारे पर्स लगे हैं। यहाँ से खाया था ना वो। देखो हम लोग हमारे आ चुके हैं शॉप में, जहाँ से मैं चप्पल लेती हूँ और पर्स के अंदर पर्स का अंदर चप्पल रह गए पूरा रूम दिखा दुकान वाली का माशाल्लाह से इधर पूरा चप्पल और क्या ना पर्स तो सर मेरे पास लेके आके रखेला ही अभी तक। इसमें कभी दिलाए थे ना तुमने टाइगर का। तो इनके पर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है माशाल्लाह, मैं यहाँ से लेती ज्यादा करके आके इसको वो अभी और क्या। आप लोग देख सकते हैं पर्स का कलेक्शन गुच्ची का एलवी का सब छोटे छोटे क्लच नहीं पहनेगी बाबा नहीं बहुत बड़ा भाई है उससे बड़ा तो है ये। वैसा घसीट के लेके जाएगा। ये टाइगर वाला कितना प्यारा है दिखा बराबर दिखा रहा ना यहाँ से दिखा वहाँ पे लेके जाओ बड़े सुमीर छोटी है छोटी है बच्ची मेरी मैं उसके लिए देख। पर्स में क्या है भाई नया कुछ बड़े में दिखाना मैं जा रही हूँ बाहर सऊदी जा रहे कैरी कर सके डायमंड में भी दिखा वजन है ज्यादा ये बहुत ज्यादा कुर्ला में भी कल था बॉम्बे में भी था कलर है ग्रे सिल्वर हाँ तो देखो मैं चप्पल ले रही हूँ चप्पल कैसी लग रही आप लोग ये बराबर है आया हमारा सामान और ये मैंने पर्स ली इसमें चप्पल ली अयान का अयान के लिए भी बैग ली छोटा साइड वाला और ये अभी देख रही अच्छी लग रही सुनो ज़्यादा ऐसा सिल्वर ऐसा तो नहीं दिख रहा ना नहीं 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 अच्छा लग रहा है एकदम चमकेला नहीं लग रहा नहीं ना नहीं वो आगे इतना नहीं लगा ना सिल्वर से पीछे के बाजू में ले लो ये खाली ले लेके जाती हूँ डिस्काउंट करवा कुछ बिल्कुल यहाँ से और मैं इनके इधर ही आती हूँ ना यहाँ से पर्स और यहाँ से चप्पल लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इनकी दुकान में आपको नाम बता देती हूँ अलहमदुल्ला
माशाल्लाह इतनी गर्दी है फटाके की दुकान पे, चले गए पीछे, इतनी गर्दी थी फटाके की दुकान पे, बाप रे बाप, बहुत गर्दी थी। सब लोग दिवाली के लिए फटाके ले रहे ना, बहुत मतलब बहुत क्राउड, और संडे का दिन भी है, छुट्टी का दिन, दुकान पे गर्दी थी। हाँ बहुत ज़्यादा गर्दी के, बच्चों को लेना पड़ता ना फटाके सब, वो साइकिल जो एक दुकान हाँ, तो बच्चे जीत करके आते ना लेने, पहले छोटी थी परी नहीं करती थी, परी आया डैडी मम्मी को थैले में लेके आते थे, जम्बो थैले इतने सारे सब मिल लेके आते थे बच्चे लोग, मम्मी खिलाते थे लंबी लंबी सोसोरी कलरफुल वाली। ये मीठा समोसा है, चलो ईरानी चाय की दुकान में जाएंगे, ईरानी चाय पी ली, बहुत टाइम हो गया ईरानी चाय नहीं पिए, चाय पिए बहुत टाइम की बात, ईरानी बापू की चाय पी रही। पानी बोतल कहाँ रखा? हाँ कहाँ रखा? चलो हमारे पहला मरोल सॉरी अंधेरी में भी था, जो अभी नया मैकडी बना ना, वो बहुत अच्छी ईरानी की होटल थी, बहुत बड़ी, उधर कीमा ईमा भी इतना अच्छा मिलता था, ईरानी चाय भी फिर बंद कर दिया, मतलब बहुत सालों पुरानी दुकान होटल थी, अभी उधर बड़ा मैकडी बना दिया, तो ईरानी चाय पियेंगे हम लोग ईरानी जी की दुकान होटल से, और समीर जी जा रहे चाय लाने के लिए, और आगे ना बंद मस्का भी बहुत अच्छा मिलता है, भाई क्या देखो मस्का डबल बोलना, इसको बहुत कंटाला लाने के लिए, नहीं तो अभी करेगा ही नहीं, ब्लॉग में नहीं दिखेगा मगर वो तुमको कल तू कट कर रहा था कि धुलाई करूंगी मैं, लिया ही नहीं था मैंने स्टॉप कर दिया था, इधर ऐसा स्टॉप नहीं होता था यार यार समीर और सुल्तान गए चाय लाने, वो क्या ऐसा स्टॉप करेगा ना मम्मी तो बाद में चालू करते ना तो कंटिन्यू होता है। तो हमारा देखो ये बन मस्का आ चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग, आयान का इधर है, समीर और सुल्तान वहाँ खा रहे हैं, देखो भाई ने चाय लेके आए, प्लेट पे रखो ना, प्लेट पे रखो, इधर जाओ भाई दो चाय दो, प्लेट में रखे हाँ ऐसा प्लेट में रखो, हाँ जी एक और रखो एक और उधर दो दे दो, ये देखो चाय भी आ चुकी है, बन मस्का और ईरानी चाय, एक नंबर है, मस्त आया है, अभी आयन खा रहा है, हमारा चाय पी के हो चुका है, अभी हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, मगर इतना क्राउड है, देखो ट्रैफिक आगे, गाड़ी हिलने तैयार नहीं, मैं सोच रही आज संडे तो खाली रहेगा, मगर सब बहुत गर्दी है, पैक ही पैक है ना समीर, चाय और पमास बन खाए बहुत अच्छा लगा, अभी मैं जा रही हूँ कोई दुकान पे जा रही हूँ, क्योंकि मैं अगली बार आई थी तो मैं सोच के आई थी कि मैं आऊँगी तो समीर को लेके आऊँगी, अभी हम लोग जाएंगे उधर, तो मैं बाकी आप लोग को अपडेट देती हूँ, और बहुत बड़ा ट्रैफिक है मुंबई का ट्रैफिक, बोले तो बता नहीं सकते ना यार, मुंबई की बारिश, मुंबई का ट्रैफिक, और मुंबई की बस, और मुंबई की लड़की पर कभी भरोसा मत करना, ये बस सही है ये दुकान आई इधर सब दुल्हनों का सामान मिलता है ये सब, और इधर बाजू में लखनऊ कुर्ते भी बहुत अच्छे मिलते हैं, हाँ लखनऊ में लड़कों की लजर का, हाँ KGM सरकार के नाम के दुकान है, बहुत अच्छा शॉप है इनका, KGM N इनका, दुकानों की लाइट तो आएगी, और अभी आगे काका की, उसके बाजू में कोट पैंट की दुकान, उसके बाजू में लहंगे की दुकान, बस बस, और उसके बाजू में फाइनली चद्दर और पर्दे की दुकान है, और हाँ इधर से भी कभी कभी चद्दर पर्दे लेती हूँ, और एक आगे दुकान है वहाँ से लेती हूँ, बड़ी गाड़ी जम रही नहीं चलाने के लिए, यहाँ भी जहाँ से तुम लोग दिलाते ना पर्स ये अंदर वाली दुकान, जो रमजान में अपन आते थे लॉकडाउन के टाइम पे, हाँ देखो उसके बाद विश्व डायमंड की पर्स होता है, देखो यहाँ से भी मैं पर्स लेती हूँ, मुबारक मुबारक
फाइनली आ चुके हैं बुरखे की दुकान में, जो मैंने 4 दिन पहले बुरखा लेके गई थी, तो माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा था। जो मैंने पता है चीता प्रिंट वाला है ना, वो है ना, बैठिए ना, ये वाला पाला का जो आपका चॉइस है भाई, क्लासिकल है, एकदम लाइट वेट हो, पहने भी थे तो बोले कि भाई अलग ही है, अच्छा पीस है ये। और वाला भी दिखा दो, ग्रीन में कुछ है क्या? ग्रीन में, ग्रीन में भी ग्रीन है, ब्लैक स्टोन है, मेहंदी ग्रीन आया है नया पीस। आपके सामने अभी कलर के हिसाब से मैचिंग के हिसाब से सब बिठाना पड़ता है, व्हाइट में जो कलर भी चल जाए। आपने देखा ना जो हमको पसंद है उसको पसंद नहीं आया, वहाँ से तो उसने फोटो लेने दिया तो हम लोग खरीदे उधर से, अभी आ गए क्योंकि उधर भी नेटवर्क इशू का आया था, लेने देंगे तो क्योंकि किसी को जो पसंद आता है हमको, हमारी चॉइस अलग है, उनकी चॉइस अलग है, मुझे ये भी अच्छा लगा। अस्तीन सब शॉर्ट हो जाएगी, खाली आप पहनने पे कैसा लग रहा है वो देखो। आपको रेडी साइज मिल जाएगी, ये देखो कैसा लग रहा है नका, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, इसका मैं साइज मेरे साइज से थोड़ा बड़ा है, मेरा साइज देंगे निकाल के, अभी आप लोग बताना कैसा लगा है, मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, अभी समीर को भी पता है मस्त दिख रहा मम्मी, बटरफ्लाई जैसा है अंदर, इसके अंदर से एक से एक वैरायटी है कुर्ती की, जो न्यू चलता है ना वैसा ही सब नया नया, एक से एक कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं, एक ही दुकान की शॉप का कलेक्शन ये भी है, ये भी बहुत अच्छा है, आज ही आया, आज ही आया ये जो आपने पहने हैं और ये ग्रे, ये सब आउटस्टैंडिंग पीस है, तो मेरे साइज का निकाल ये वाला, इसमें 50 ये आप देख सकते हैं नीचे से भी देखो कितना प्यारा है, फुल डायमंड का वर्क है पूरा बैग, इसका ही कोल ऐसा आएगा, कितना प्यारा लग रहा है, और गाउन कैसा डिजाइन है इसका, इसका लुक आएगा, और ये दूसरा भी वाइट है, कितना प्यारा है, अंदर एक और बुरका आएगा पूरा, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और देख देखो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं याला भी ले रही हूँ, आपको जरूर बताना कैसा है, एक नंबर लग रहा है मुझे तो, पहले मेरे को वाइट की वो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये आपने क्या बताया सना खान, ये सना खान ने पहना था, हाँ तो आप लोग देख सकते हो, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, आप लोग जितना लाइक करेंगे यूज़ मेरा देखेंगे उतना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आप लोग को मैं नई नई चीज़ें ऐसी यूनिक दिखाते रहूँगी, ओके भैया। और ये बच्चे लोग आ जाओ, ये सब बेचारे बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह इन लोग के बाद में भी हमेशा आऊँगी, अब ये भाई और कुछ निकालेगा, ये छोटू हमारा बहुत शार्प है, ये फराशा फराशा पूरा स्टेट बुरखा है अंदर, ये पूरा अंदर बुरखा है स्टेट, और हमारे पास है ना सब 5 साइज आती है, 52 54 56 58 60 सब दुबई की 5 साइज आती है, आप लोग जरूर आना मोइन इंटरप्राइज, कोरियर नीदा मटेरियल आएगा, और हमारे पास 50% ऑफर है, 8,000 8,500
50% डिस्काउंट होगा, 4000 और 4000 फिक्स है। 8000 लेगी तो 4 में मिलेगा, 8000 500 वाला लेगी तो 50% डिस्काउंट 4250 में। ये दो रेट है फिक्स है, और एक पैसा कम नहीं है, 4200 से 4250 और 250, क्योंकि इन्होंने पहले डिस्काउंट रखा है 8000 के बुक पे 4250 में। हाँ, और हर पूरे बुल्कों का यही प्राइस है, ऐसा नहीं कोई ऊपर नीचे किसका 3000 3500 4000 ये इसको साड़ी पैटर्न बोलते हैं हमारे, साड़ी बुल्के में भी साड़ी पैटर्न आ रहा है, ब्लैक चाहिए ब्लैक भी मिलेगा, माशाल्लाह बहुत अच्छे बुरके हैं। आप लोग आओ इधर विजिट करो, आप लोग इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगे। और ये अभी नया सब दुबई से उतरा है माल, मैं परसों आई थी ना तो ये लोग बोले थे माल आने वाला है, तो मैं बोली ओके, मैं फिर संजय को आती हूँ, क्योंकि थे बहुत अच्छे सब बुरके, मगर मुझे जैसा चाहिए था तो बोले वो आने वाला है, तो फिर अब मुझे मिल चुका है। तो मैंने अभी तीन बुरके लिए है ना, एक ग्रीन, एक ब्लैक, एक वाइट, और एक वाइट ऑलरेडी लेके जा चुकी हूँ। ओके, अपडेट देती हूँ, उस 500 के बाद मिठाई की दुकान में जाऊंगी तो बाकी अपडेट दूंगी। भाई याद रखना, सिर्फ तुम अभी आए हैं हम लोग तो तुम याद रखना, क्योंकि फिर अरे तुम याद रखना वो लोग वही कर रहा। हाँ, तो ये माशाल्लाह से हम लोग इतर की दुकान पे आए हैं, और इतर ली मैंने माशाल्लाह 4-5 बोतल ली हूँ, क्योंकि आप लोग बताए खुशबू तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग हमेशा से पता है, तो मैंने ये इतर ली हूँ। और ये समीर के लिए ये रुपये मेरे इतर रखे हुए हैं, और ये भाई की दुकान के इतर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, पहले का पैसा दे देना आपको खाली इसका बात, मैं जब भी आऊँ तो इनकी दुकान से इधर देखो आप लोग। फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। माशाल्लाह प्यारा समंदर यहाँ से दिख रहा है,
व्यू इतना अच्छा है क्या पूछो मत। सामने देखो क्या बन रहा है, और ये सामने देखो इतना प्यारा व्यू सामने का लग रहा है ओ होटल का। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, और इसको सब दिख रहा है इतना अच्छा, बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ दिख रहा है। और अभी बहुत थक गई हूँ तो मैं घर जाके बताती हूँ मैंने क्या क्या ली हूँ, तो आप लोगों को बताऊँगी। और माशाल्लाह आज पूरा दिन शॉपिंग में गया है, पीछे सब सामान रखे हैं। और पहले तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जो बम्बई की थैली है ना वो मेरे को मिल गई, क्योंकि वो थैले के बिना मैं अधूरी रहती हूँ। तो परसों भी आई तो लेने जमाने गाड़ी खड़ा करने पुलिस वाले ने दिए नहीं, वो फुल मार्केट की तरह भी मिलती है। तो मेरी दो थैली मैंने, थैली का नाम है कुरला की थैली मैं बोलती हूँ घर में, तो मुझे वो थैला चाहिए रहा टंगाने के लिए। तो माशाल्लाह से मुझे मेरा थैला मिल चुका है, छोटे छोटे सामान सब एक बार हाँ पूरा सामान के साथ अपन छोटा मोटा कुछ अपने थैले में डाल दो सही रहता है। और थैली गिरते पड़ते मुझे वो सब पसंद नहीं है। तो आज मेरे को फाइनली मैंने एक पर्पल कलर का ली हूँ, एक क्रीम कलर का ली, दोनों मेरे थैले ले चुकी हूँ क्योंकि मेरे थैले बहुत दिन से नहीं मिल रहे थे। और दूसरा मैंने ली थी जम नहीं रहा था। और माशाल्लाह रोड का काम भी बहुत ज़बरदस्त चालू है, हर 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 जगह से डब्बे 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 बने हुए हैं। और क्या बोलते हैं और क्या बोलूँ, और जब देखो काम चालू है। और अब मैं जाती हूँ घर, फिर जाके थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, फिर उसके बाद बताऊँगी कि मैंने क्या क्या ली हूँ। और अभी देखो इधर भी काम चालू है मेट्रो का, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़ोरदार मेट्रो का काम चालू है। ये देखिए ये क्या है, सेफी हॉस्पिटल, चल ये नहीं है सेफी हॉस्पिटल, आगे बड़ा है सेफी हॉस्पिटल, पीछे देखे हमने हाँ जो मैं दिखाई थी ना वो वाला था, तो इसकी बात कर रहे थे। तो ये तो मेरे को छोटा दिखा आगे, नहीं ये अच्छा ये बार, ये हफ्ते में मैं ये रोड पे से तीन बार आ चुकी है सेफी, उस दिन नूरी के आदमी कहते हैं ये सेफी हॉस्पिटल है, ये नहीं लगता होटल लगती है स्टेशन लगता है। चलो अब मैं जा रही हूँ, दिन भर की तो अपडेट मैंने आपको दे चुकी हूँ कहाँ कहाँ गई थी, अब बाकी मैं घर जाके अपडेट देता हूँ। तो ट्रेन भी जा रही है, आयान छोटा दादा मतलब पोम गाड़ी ये देखो पोम गाड़ी जा रही है, आयान की पोम गाड़ी, आयान छोटा दादा मतलब पोम गाड़ी। और बच्चे लोग को दिखाने खुशी भी होती थी जब ट्रेन जाती थी, तो आजकल के मेरी नवासी को दिखाया तो ट्रेन को पहचानती थी नहीं। चलो फिर घर जाके आप लोग को अपडेट देती हूँ। ओके आ चुकी है, और माशाल्लाह कितनी गर्दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत गर्दी है। एक बार हम लोग भी पिकनिक आए थे बस करके, तो हम लोग यहाँ आए थे, फिर जूतागर गए थे, बहुत अच्छा एंजॉय लगा था, पूरी फैमिली पूरे मेरी बहन लोग मेरी दोस्त लोग हम लोग पूरी बस करके आते, काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए, मैं अभी उमरा करके आऊँगी तो उनके साथ आऊँगी। तो ये गिरगा चौपाटी है जो लाल बाग के राजा बैठते हैं उधर, तो यहाँ देखो और ये कितना अच्छा बना रखा है, ये कितना प्यारा बना है, नया बनाया अभी, बैठ सकते हो, चलो ना बैठ के आते, हाँ वही ना इधर भी गर्दी ट्रैफिक इधर नहीं बैठ सकते, हाँ गाड़ी का लगाएगी वही, तो वही तो वो पुलिस के। तो फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, और पहुंच के मुझे हो गया आधे से एक घंटा हो गया, आई थोड़ा फ्रेश हुई, फिर थोड़ा चाय पी, फिर एक हेल पी, फिर पैर में पट्टा लगा, इधर एक पैर बहुत दुख रहा था, इसीलिए फिर अभी मैं बताती हूँ मेरे क्या क्या शॉपिंग करी। ओके चलिए तो मैं आपको ये दिखाती है, देखो ये मैं जहाँ से हिजाब बुरखा ली हूँ ना, ये उनका थैली है, ये देखो माशाल्लाह से मैंने ये बुरखा लाई हूँ, ये आप देख सकते हो बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको खोलूँगी नहीं क्योंकि इसकी प्रेस खराब हो जाएगी। और ये जो मैंने ग्रीन उधर पहन की जो वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, ये वो आला है, ये भी आप देख सकते हो। अब समीप चले थे ना तो कटिंग तो बनती है ना ये वाला वाइट वाला ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत प्यारा, इस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उधर, एक नंबर है। और एक अंदर और एक है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको बाद में। हाँ मतलब ये चार गुड़की मेरे माशाल्लाह से हो गए, और मैंने एक और वो भी एक है, सब बुरके मैं आप लोग को फाइनली मेरे बुरके जाने से पहले एक बार बताऊँगी, मेरे बुरके उड़ाने वाले हैं, ये बुरके का मामला खलास हो गया। देखिए आपने देखा मैंने उधर ये पर्स ली थी, ये देख सकते हैं आप मेरा पर्स, मतलब ज़रूर माशाल्लाह बोला कैसा लगा पर्स ये भी बताना, आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है पर्स, तो मैंने ये वाला पर्स
देखिए मुझे इतना सामान सेट देगा, इतना सामान पड़ा इधर उधर उधर उधर, सब बैग में पैकिंग करना है। आप लोग भी आना मेरी हेल्प करने ज़रूर। ये हो गया, और ये मेरी कुर्ला की थैली, फैब्रिक थैली, इसको मैं कुर्ला की थैली बोलती लाती हूँ बॉम्बे से। मगर मैं कुर्ला मार्केट जाती तो मुझे थैली बहुत लगती है, मैं चालू गाड़ी में जबकि भाई लाई में ये ली हूँ, ये एक ली और ये एक थैली। तो मुझे मार्केटिंग में यही थैली जमती है, उसकी कोई जमती नहीं। इसके अंदर क्या है पता है आपको? इसे मैंने पर्स ली, ये देख सकते आपका एल बी का, क्योंकि मैं हाथ में मुझे छोटा पर्स बहुत लगता है, मैं पर्स के अंदर छोटा पर्स रखती हूँ तो मुझे बहुत लगता है ये, तो मैंने ये आला ली। आपको जरूर बताना ये भी कैसे मेरा डेली वेयर के लिए लगता है, मुझे घर में भी मैं लेजर का रखती हूँ, कभी ऐसा भी ले लेती। ये हो गया, और ये अयान का पर्स है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है अयान का जी, साइड ना हो जाए ना, हाँ ये साइड पर टंगा रहा रहता है ना वैसा वाला, अभी 40 में इसको पैक। और एक उसकी दीदी भी लेते हैं जी, उसकी लिए कौन सा ब्रांड का, दीदी को लोगों को ब्रांड बहुत लगते, अपने को तो सब चलता है, अपने को कुछ पट की चीज़ भी चलती है, स्टोर की भी चलती है, अपना काम बनता भाड़ में जानता। अब रोए अपनों का लिए दिलाना चाहिए, दिला दो बात खलास, मेरा कुछ चॉइस नहीं रहती है ब्रांड ब्रांड की। अच्छा तो ये तो मिठाई है, बटर स्कॉच पेड़ा उस्मान सुलेमान का मेरा फेवरेट, ये मेरा बहुत फेवरेट पेड़ा, जब इसकी कीमत बहुत कम थी मैं जब से लाती थी, आज इसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से मैंने चप्पल ली हूँ, वाइट चप्पल तो मुझे बहुत लगती है, वाइट ड्रेस पहनती हूँ, रुपया मैंने चप्पल सैंडल ली हूँ। आप लोग बताना कैसी लगी सैंडल, ये वाइट तो पता है आपको, सिल्वर मेरे फेवरेट है, वाइट और ब्लैक चप्पल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हर ड्रेस पे हो जाती है, इसलिए मुझे वाइट और ब्लैक चप्पल बहुत ज़्यादा पसंद हो गया। हाँ और आयान ने देखो ये चप्पल लिया, ये ऐसी चप्पल कितनी बार लाता है, ये भी चप्पल पर दिखती नहीं है। हाँ स्लीप क्रॉप क्या बोलते हैं, ये चप्पल आयान ने लिया। हाँ अभी वहाँ लगेगी ना तो थोड़ी मजबूती चप्पल चाहिए, कि उसके पैर में कैंची है। और एक ये मैंने उसको डेली के लिए उधर स्लीपर ली, उसको भी कुछ बोलते हैं वहाँ मेरी मैं कुछ स्लीपर बोलते, अभी ये लोग क्या बोलते क्या होता क्या निकलेगा ना। और अभी इसकी और चप्पल चश्मा और कैप बाकी बोलता हूँ, ये मैं इसलिए रखूँ क्योंकि मुझे बाद में है बाबा है हाय हाय कहाँ जा रही नहीं। ये देखो ये भी चप्पल ली, ये चप्पल तो इससे भी महंगी मिली। हाँ बहुत पहनी इसमें की, तो मैंने रोज़ वाली पहनी है, डायमंड हर एक डायमंड की पहनी, बहुत आज भी इसका महंगी कितनी 2100 रुपये की मिली है पता, इसमें की नल्ला भी आती है 500 रुपये की, मगर ये एकदम इम्पोर्टेड चप्पल है, बहुत ज़बरदस्त है। और ब्लैक तो अपनी जान है ना, ब्लैक तो मालूम है ना, ब्लैक और वाइट और गोरे गोरे तो ब्लैक चप्पल बहुत अच्छी लगती है मेरे पैर में माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगी थी, मैं एक बार उनको पहन के दिखाती हूँ, लग रही ना अच्छी अच्छी लग रही ना। ये मैंने आज ये शॉपिंग करके आई हूँ, हो गया ना सब। हाँ सब एक सप्ताह बाद उनकी ढूंढना नहीं पड़े, सब छोटा छोटा सामान अंदर बेडरूम में ही बहुत सारा सामान रखा हुआ है। हाँ इतर ला मेरा इतर भी मैंने ली थी ना दुकान से, समीर ने तो अपने दो बर्तन ले लिए ना, हाँ समीर ने अपने दो बर्तन ले लिए, ये मेरे इतर है सब अलग अलग। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूछो मत, और इतर बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को, खुशबू वाली चीज़ मुझे इतनी पसंद है कि पूछो मत, मैं वो बॉडी जेल भी लगाती जो खुशबू वाला आता है, उसका बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। इतर भी आ गए, मैं सब इकट्ठा करती हूँ, फिर मैं सब ये पर्स की जमीन रखती हूँ ना, इतर याद दिलाना मेरे को, बाद का दिमाग में मैं भूल जाती हूँ सामान इकट्ठा सब करती हूँ। ओके और बाकी की अपडेट मैं आपको भी थोड़ा टाइम से देती हूँ, आज खाने में क्या बनने लगा है तो आप लोगों को बताती हूँ। आज बना है हमारे इधर फिश कड़ी एंड पॉपलेट कड़ी, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ तो अभी फाइनली मैं खाना खाने बैठी हूँ, अभी लाइट पे थी,
अब मुझे भूख लग रही थी बहुत, तो देखो मैंने इतना चावल लिया खाने के लिए, और ये मेरी मच्छी करी अभी अनाप ओवन में मच्छी फ्राई वाली गरम करके ला रही हूँ। और मुझे मुंडी का पीस बहुत ज़्यादा पसंद है, और मच्छी में दूम का पीस बहुत पसंद है करके। तो दुकान आपने लाई फ्राई करके दूम और मुंडी मेरा फेवरेट है, तो आप लोग भी आइए खाने के लिए। और नूरी मच्छी का सालन बहुत ज़बरदस्त बनाती है, तारीफ़ के काबिल बनाती है, और आप लोग आओ खाने के लिए। हाँ खाया ना इन्हें, ये देखो मेरा खाना। और आप लोग बोल रहे थे ना इतने टाइम से आप ऊपर ही बैठ के खाना, पैर में बहुत तकलीफ है अभी भी, आप देख सकते हैं बेल्ट लगाए इतना दुखता है मेरा नीचे बैठने को, पैर में थोड़ी तकलीफ हो गई और डॉक्टर का जाने में टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैं इसके साथ ही अपना आज का ब्लॉग खलास करूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत थक गई हूँ, खाना खाऊँगी और वैसे जाके सोऊँगी। तो बहुत अच्छा लगा पूरा दिन का ब्लॉग बना के। आप लोग कल ब्लॉग देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन घंटी का बटन दबाओ, घंटी का बटन मत दबाओ, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन। हाँ मालूम है उनको सब, मरियम ब्लॉग, मरियम ब्लॉग, मरियम ब्लॉग फॉलो करो। ओके चलो आइए खाने के लिए, और अल्लाह हाफिज़।